आज से करीब 530 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अवतार लिया था। उन्हीं के सिद्धांत के द्वारा हम ये समझेंगे कि जीव का लक्ष्य क्या है, हमारा एम उद्देश्य क्या है। ग्रंथों ने चार प्रकार के लक्ष्य बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें सबसे पहले धर्म को लीजिए। धर्म किसे कहते हैं? तो वेद में कहा गया कि वेद के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म का विधिवत पालन करे उसे कहा जाता है धर्म। चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चार आश्रम हैं। तो हम किस वर्ण में हैं, किस वर्ण के हैं और इस समय किस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में या सन्यास में? तो किस वर्ण के व्यक्ति के लिए किस आश्रम में क्या करना चाहिए, इसका प्रतिपादन वेदों में किया गया, उसी का नाम धर्म। तो इस वर्ण के, इस आश्रम के व्यक्ति का ये कर्तव्य है, इसे कहा जाता है वेद की विधि। और ये त्याज्य है, इसका नाम है निषेध। वेद में दो ही तो बातें हैं, विधि निषेध। ऐसा 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 करो, विधि। ऐसा ऐसा न करो, निषेध। तो ये धर्म का पालन करने से क्या मिलेगा? अधिक से अधिक स्वर्ग मिलेगा। और अगर स्वर्ग मिल भी गया तो उसमें ना हमें सुख मिलेगा ना ही दुख की निवृत्ति होगी। दो लक्ष्य है ना, प्रमुख रूप से संक्षेप में। एक है आत्यंतिक दुख निवृत्ति यानी मोक्ष, और दूसरा है परमानंद प्राप्ति यानी प्रेमानंद। ये दोनों ही लक्ष्य हल नहीं हो सकते स्वर्ग मिलने पर। और फिर इस कलयुग में धर्म का पालन करना ही बड़ा कठिन है। कलि नहीं धर्म न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में केवल राम नाम का अवलंबन ही लिया जा सकता है, धर्म का पालन करना इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन इम्पॉसिबल सा है। क्यों? क्योंकि षड्भिः संपद्यते धर्मः। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं तो आपको 6 नियमों का पालन करना होगा। इसमें संक्षेप में 3 ले लीजिए कि जैसे आप यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण कैसा हो, उसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए वेद के अनुसार। अगर आप ढूंढेंगे तो भारतवर्ष में शायद एक भी ब्राह्मण वैसा न मिले जो यज्ञ ठीक ठीक कराने का अधिकारी हो। हव्य सामग्री जो यज्ञ में डाली जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, इस पर यदि आप विचार करेंगे तो उसका भी सामान, हव्य सामग्री भी मार्केट में ठीक ठीक नहीं मिलेगी।
शुद्ध नहीं मिलेगी, और वैसे भी वो हव्य सामग्री वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई की होनी चाहिए, जिसका पालन मैं समझती हूँ शायद ही कोई कर पाता हो। अब नंबर 3, मंत्रों का उच्चारण स्वर सहित ठीक ठीक होना चाहिए। ये भी इम्पॉसिबल सा है कि ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण मिले जो मंत्रों का सस्वर ठीक ठीक उच्चारण कर सके। और चलो मान लो ऐसा कोई कर भी ले, सब बातें पूरी भी हो जाएं, तो क्या होगा? वेद में कहा गया प्लवा ह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः, मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये कर्म धर्म वाला जो पुल है ना, जिसके द्वारा आप भवसागर से पार होना चाहते हैं, बड़ा कमजोर है। इस पर चढ़े कि टूटा, और ये पुल ही भवसागर में गिर जाएगा। हम तो गिरेंगे ही फिर। और ये भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गीता में भगवान ने कहा कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। धर्म का पालन करने से अगर हम स्वर्ग पहुंच भी गए तो कुछ दिन हम स्वर्ग रहेंगे, जितने दिन का हमारा पुण्य है। पुण्य भोगने के पश्चात फिर हम कूकर शूकर कीट पतंग इत्यादि योनियों में गिरा दिए जाएंगे। दुखो दरकास तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार पिता, भागवत भी कहती है, भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। स्वर्ग में सुख नहीं, अशांति अतृप्ति अपूर्णता, उसके बाद पुण्य का फल भोगने के पश्चात फिर दुख ही दुख है। अब बचे 2, और ऐसे तो 3 बचे, लेकिन 2 को लीजिए पहले, अर्थ और काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 लक्ष्य है ना जीव के। तो धर्म के विषय में बता दिया, इसका फल स्वर्ग है, वो भी विधिवत करने पर। अब है अर्थ।